उनके मुंह पे तमाचा है बैकवर्ड वालों के, तगड़ा तमाचा। हिट नहीं है, सुपर हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ बस अफवाह है और कुछ नहीं है। ये पठान है, किंग खान है। पठान का जो खास बात है वो तो सबको दिख ही रहा है कि पठान में क्या बात है। बॉयकॉट करने वालों को भी दिख गया, सबको दिख गया है कि पठान का जलवा सब जगह है। तो बहुत ज्यादा क्रेज है, मतलब के पागल हुए हैं हम फैंस। क्या मैं तो ये कहती हूँ पठान मूवी वो भी देखना है जो फैंस नहीं है। पर इस बार उन्होंने ना बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, क्योंकि वो बॉलीवुड का किंग खान है और वो बॉलीवुड का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का किंग खान है। उसे जितनी पब्लिक पसंद करती है वो पब्लिक रिएक्शन सबको दिख चुका है वर्ल्ड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली गेट के डिलाइट सिनेमा और डायमंड सिनेमा के बाहर। यहां पे दिखा दे आपको कि आज पठान रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के बाद किस तरह से यहां पे फैन का क्रेज आप देख सकते हैं, किस तरह से यहां पे लगातार ये दूसरे शो की यहां पे ये एंट्री हो रही है। मैम फिल्म देखने जा रही है आप? हाँ जी, हाँ जी, फिल्म देखने जा रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये लोग यहाँ पे फिल्म देखने जा रहे हैं। एक बार बता दूँ आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है, ये काउंटर है। लोगों ने यहाँ पे टिकट बुक किया है, हालांकि जिन लोगों ने कल टिकट बुक किया था वो आज फिल्म देख रहे हैं और आज के शो के टिकट उन लोगों को कल के लिए बुक कर रहे हैं। हम अब आगे चलते हैं यहाँ से और आपको जिन लोगों ने फिल्म देख कर अभी आया है, क्या सीक्वेंस था, क्या इस फिल्म की खासियत है और लोगों में क्रेज़ किस तरह से है। हालाँकि पठान मूवी जो है काफ़ी विवाद में रही, काफ़ी चर्चे के बाद जब ये रिलीज़ हुई है तो दिल्ली के ये दिल्ली गेट पे किस तरह से लोग यहाँ पे हुजूमों में आ रही है। आप देखिए, ये यहाँ पे मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पे ये अभी शो देख के आए हैं। एक बार मैं इधर से आपको दिखा दूँ, ये गेट नंबर 4 है, एक बार अंदर आ जाइए, यहाँ से भी एंट्री है। ये देखिए, यहाँ से भी एंट्री है, यहाँ से भी लोग एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे ये जो लोग हैं इन लोगों ने पठान मूवी को देख ली है। अब पठान मूवी इन लोगों को कैसी लगी, क्या सिंक्वेंस थी, ये तमाम चीज़ों को लेके इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर अच्छा, ये अल्लाह चाहे या वाहेगुरु चाहे सब एक ऐसा ही तमाम। सर आप मूवी देखने जा रहे हैं? देखूंगा, अभी टिकट नहीं है, ले लूंगा कोई बात। देखो ना, हिंदू ना मुस्लिम कौन सा बराबर है, को भी लेके आओ, ईसाई भी आई जाएगा जब हिंदू मुस्लिम। ये बताइए आप मूवी देख के आ गए? भाई वीडियो देखी है, मगर अंदर जो है एक चीज देखिए, बहुत बढ़िया चल रहा है। मगर जो लोग कह रहे थे इसको बाइकॉट करने के लिए, उनसे कहना तुम्हारे लिए सदका निकाल के रख रखा है। जब भी शाहरुख खान और सलमान खान अंदर आ रहे हैं ना, एक मिनट उनके मुंह पे तमाचा, और दूसरी बात जब भी वो आ रहे हैं पैसे उतार के उनके लिए सदका निकाले जा रहा है, चाहे उसमें वो सरदार भाई कर रहा है, क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई, सभी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर झूठ मूठ का वो ट्रेंड फैलाया जा रहा था, लोगों को बरगराया जा रहा था कि लोग इससे मूवी यशराज बैनर को, शाहरुख खान को सब फेल करने के चक्कर में। एक मिनट भी ये कह रहे हैं ना, भी बिल्कुल बोली बोली, अक्षय कुमार जी को तादत थैया में ऑरेंज सूट क्यों पहनाया था? क्यों? अभी तो भगवत आ रही थी। जब धर्म पे मुद्दा उठाओ तो सब पे उठाओ, या तो एक पे भी नहीं उठाओ, ये भी तो कहने को एक बिरावंड है। रवीना टंडन ने वो भगवा कलर पहना हुआ, तब क्यों नहीं हुआ था? ये भी बिरावंड है। मैं इनसे पूछूंगा, हाँ जी आपको कोई नफरत है भगवा कलर से? नहीं है तो फिर एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी, अक्षय कुमार को भगवा कलर पहना तो दीपिका ने था, शाहरुख खान ने कोई पहना था? वो मतलब वो पहना तो कुछ भी है, वो ड्रेस है, ये तो कंट्रोवर्सी करनी है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख जो भी कम्युनिटी के लोग हैं हिंदुस्तान में, चारों हैं जो ये एक साथ रहना चाहते हैं। और क्या सर, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रहने दिया जाए या उसे राजनीति में बदल दिया? ना ना ना, एंटरटेनमेंट रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं इस पे राजनीति कर रहे हैं? कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत गलत, 100% कर रहे हैं, एक गलत और एक बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। हालांकि बहुत सारे स्टेटों में इसका बायकॉट का ट्रेंड चला। ना ना ना, ना बेकार है वो, उनके मुंह पे तमाचा है बायकॉट वालों के, तगड़ा तमाचा। हिट नहीं है, सुपर हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। टेलर भी तो चला है इसका, बुर्ज खलीफा पे। अच्छा अच्छा, एक चीज, एक चीज, एक चीज, अभी आप फिल्म देखने जा रहे हैं, क्या आपको इसमें पता, इस देख ली आपने, एक बात बताओ इसमें क्या सस्पेंस है, क्या ये देश के लिए वो अच्छा करता है, एक वायरस जो होता है उसके लिए जान दे देते हैं।
अच्छा आपको पता था कि इसमें इतना बड़ा सस्पेंस होगा कि सलमान खान भी आ जाएंगे? सलमान खान की बताया था कि वो शुरू से ही आएंगे। सलमान खान की एंट्री एक नंबर भाईजान की एंट्री। सलमान खान ने खुला चैलेंज दिया फिल्म चलेगी। तुमने पठान मन वो कसाई फिल्म मन कर दी, मगर ये नहीं कह सकते क्यों इसमें बाप आया हुआ तुम्हारा, उसमें भी तुम्हारा बाप था मगर उनने थोड़ा इज्जत के, मगर हाँ जरूर चाहिए। ये जो है ना इतना मैं दिखा दूं आपको, वीडियो में अंदर ही था, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए जा रहे थे। मतलब 5,000 रुपए के टिकट लिए थे मैंने ब्लैक में, 5,000 के, और पहला शो देखा है 1240 वाला। अच्छा सर एक बात बताइए, आपने इस वजह से तो नहीं देखी कि कहीं इसका ट्रेंड चल रहा है बैकआउट का? नहीं नहीं मैं इस वजह से क्यों देखूंगा, मैं शाहरुख को शुरू से ही फॉलो करता हूँ। तमाम यहाँ पे लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक क्राउड बढ़ चुका है और लोग किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा चुके हैं। हालांकि मैं अपने लेफ्ट साइड में एक बार दिखा दीजिए किस तरह से वहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था सड़कों की उस तरफ दी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं दर्शकों का जमावड़ा किस तरह से है। क्या सर फिल्म देखने आए कि देख के आ चुके? नहीं देखने आए हैं अभी। देखने है, टिकट ले लिया? ले लिया अभी, हाउसफुल चल रहा है। हाउसफुल चल रहा है जी। तो आपने टिकट पहले बुक क्यों नहीं किया? इतना टाइम नहीं मिला हमको। अच्छा जी, अब आए तो टाइम मिला है तो टिकट नहीं मिल रहा है। 9 से 6 से 9 देखेंगे। अच्छा 6 से 9 मतलब देख के ही जाना है? देख के ही जाना है, पठान को देख के ही जाना है। पठान को जी जी जी, आशिक है हम शाहरुख खान का। क्या इस फिल्म में क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको अपने तरफ खींच लिया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, जो है ना एक्शन फिल्म अच्छा है, हीरो अच्छा है, इसका फिल्म देखते हैं हम इसलिए अच्छा लगता है, तो देखना चाहते हैं हम इसके लिए अच्छा या बुरा क्या है, मूवी है देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, देश में बड़ा बायकॉट का माहौल चला, इसको लेके क्या कहेंगे? लोगों का सोच है अपना अपना, लोग क्या क्या सोचता नहीं सोचता, हम निगेटिव नहीं सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि चलो फिल्म अच्छा हो, चले सब भाई देखे, हिंदू देखे या मुस्लिम देखे, कोई भी देखे, इसमें जाति पाति का क्या मतलब होता है? ये थोड़े ना कि हम मुसलमान हैं तो हम खान हो गए हैं, कोई हिंदू है, गलत बात। इस देश में हर किसी का बात एक होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, एक जैसे बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शुएब है। तो आपने मूवी देख लिया? देखने जाने के इसमें प्रोग्राम में। टिकट मिली? अभी टिकट नहीं हुई, टिकट के इंतजार में खड़े। क्या है, क्या इसमें क्या यूनिक लग रहा है आपको मूवी में? यूनिक है बस। क्या देखने जा रहे हैं आप? बस यार पठान। पठान तो देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं पठान को। पठान देखने जा रहे हैं भाई जी, टिकट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं टिकट मिल रहा है भाई? मिल नहीं रहा है, हाउसफुल चल रहा है। हाउसफुल चल रही है क्यों? लोग तो इसका बायकॉट कर रहे थे, लोग कह रहे थे पब्लिक आएगी नहीं इसको देखने। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ बस अफवाह है और कुछ नहीं है। ये पठान है, किंग खान है, ये सब कौन दर्शक समझती है कि ये लोग हम लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं? उसमें कुछ नहीं है भाई, ये सब लोग ही छोड़ो भाई, ऐसे ये लोग किसके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सर टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? नहीं मिली तो कल देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन देखना जरूर, देखना जरूर है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोगों से हम यहाँ पे आपको जनवाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष ही नहीं बल्कि पुरुष के साथ साथ तमाम महिलाएं भी यहाँ पे फिल्म को यहाँ पे देखने आ रही है। मैम आपका नाम? मेरा नाम मेहर। अच्छा ये बताइए क्या आप पठान देखने आई हैं या देख लिया? मैं देखने आई हूँ। टिकट मिल गया? अभी नहीं मिला। क्यों टिकट क्यों नहीं मिल रहा? बुकिंग करवाने आई थी बट वो कह रहा हाउसफुल है। अच्छा हाउसफुल चल रहा है। हाँ फिर आप क्या करेंगे? देखूंगी, कैसे भी देखूंगी, देखूंगी जरूर। मतलब देखना जरूर है? देखना जरूर। अच्छा, है। ये क्यों इस पठान में खास क्या है, किस वजह से आप देखना चाहती? सबसे फर्स्ट ऑल बात है, मैं एसआरके की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं एसआरके की कोई मूवी नहीं छोड़ती। और दूसरा कि पठान का जो खास बात है वो तो सबको दिख ही रहा है कि पठान में क्या बात है। बॉयकॉट करने वालों को भी दिख गया, सबको दिख गया है कि पठान का जलवा सब जगह है। और भी स्टेट में इसको लेके बायकॉट किया जा रहा है, पूरा ट्रेंड चलाया गया, इसको लेके आप क्या? बॉयकॉट करना जा रहा था लेकिन जब से ट्रेलर रिलीज हुए, गाना आया, जो गाने को पसंद करा गया पठान सॉन्ग को, तो उन सबको देखने के बाद तो बॉयकॉट करने वाले तो अब दिख ही नहीं रहे। सबको पता है कि है ना पठान का क्या क्रेज है। तो विवाद उठे थे वो बेशर्म रंग को लेके उठा था, उसमें कहा जा रहा था कि जो है भगवा रंग को हिंदू धर्म को आहत पहुंचाया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवा कलर तो पहले भी बहुत सारे सॉन्ग में और बहुत सारी फिल्मों में पहने गए हैं, सिर्फ ये भगवा कलर को लेकर नहीं था, ये सारा विवाद था क्योंकि शाहरुख खान है वो, इसलिए था और कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इसमें ना कोई भी कलर ना, यहाँ पर देखो हिंदुस्तान है, ये सिर्फ है ना राजनीति और कुछ नहीं है, ये ना मतलब जो कलर के ऊपर होता है ना, कलर देखो सबके हैं, किसी का एक का नहीं है, चाहे फैंस फैंस के अंदर किस तरह से क्रेज है इस चीज़। फैंस के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब के पागल हुए हैं हम फैंस। क्या मैं तो ये कहती हूँ पठान मूवी वो भी देखना है जो फैंस नहीं है। अच्छा। वो भी देखना है, उनके अंदर भी बहुत क्रेज है। इसके अंदर बहुत सारे सिक्वेंस है, पता चला कुछ? हाँ, जैसे कि अभी इसमें है, जैसे सलमान खान की भी एंट्री है, उसका कैमियो है 20 मिनट का, वो भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो फिल्म तो ये बताइए, जो जो बॉयकॉट गैंग है उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बॉयकॉट गैंग को बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि वो हर बार जो बॉयकॉट गैंग जो मतलब पंगा लेती है, बॉयकॉट करते हैं, बट इस बार उन्होंने ना बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, क्योंकि वो बॉलीवुड का किंग खान है और वो बॉलीवुड का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का किंग खान है। उसे जितनी पब्लिक पसंद करती है, वो पब्लिक रिएक्शन सबको दिख चुका है, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबको दिख चुका है, तो उसे बॉयकॉट करना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्चुअली मैं मूवी जो टिकट बुक कराने आई हूँ, मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी पूरी टोटल 12-14 टिकट हैं और उन्होंने बोल दिया कि ना कल आना, कल ट्राई करना, बट कल की भी वो बोल रहा हाउसफुल ही है। अच्छा। अब देखते हैं जो होता है, यहाँ नहीं तो कहीं और देखेंगे, बट देखेंगे ज़रूर। और मेरी फैमिली है, मेरे कजिन्स हैं, मेरे मतलब सब आने वाले हैं देखने के लिए, मतलब पूरे ग्रुप के साथ देख रही हूँ, अलग अलग करके देख रही हूँ, एक बार पूरे ग्रुप के साथ देख रही हूँ। और मैं तो इतनी डीआर फैन हूँ, मैं देखने वाली हूँ 5-6 बार। कोई एसआरके की आप फेमस डायलॉग बताइए? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं इस टाइम इस डायलॉग को ये बोलती हूँ कि पठान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एसआरके के लिए क्या मैसेज होगा आपका? एसआरके के लिए वी लव यू शाहरुख खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं और अब भी आपको इस टाइम पर भी आकर लोगों ने इतना पसंद करा है। और एक टाइम वो था जब 1989 में जब बॉलीवुड जब भी ख़त्म हो रहा था, जब भी आप ही ने उठाया, और आज भी बॉलीवुड जब ख़त्म हो रहा था, जब भी आप ही ने बॉलीवुड को इस ऊंचाइयों पर लाए हो। आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं है, जो आप हो वो कोई नहीं हो सकता और ना ही कोई है, आप लास्ट ऑफ द स्टार हो और रहोगे। तो इनसे हमने बातचीत की, ये है शाहरुख खान की डाई हार्ड फैन, ये एक बार नहीं बल्कि इस मूवी को 10 बार देखेंगी। जी हाँ, एक बार फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, मतलब तमाम जो इनके रिश्तेदार रिलेटिव, चाहे इन्हें अकेले देखना पड़े तभी भी ये देखेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पठान की बहुत बड़ी पोस्टर लगी हुई है और यहाँ पे लोग, यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग जुट रहे हैं यहाँ पे, सब कोई यहाँ पे इस फिल्म को देखना चाहते हैं। हालाँकि हम आपको बता दें कि इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो 14 करोड़ रुपये के आस पास चली गई थी। जी हाँ, रिलीज से एक दिन पहले ही पठान जो है उसकी टिकटें बिक चुकी थी लगभग 5 लाख के करीब। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।